हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं? उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे। तो दिन का खाना ना खा के तो फिर मैं एक पोछा मार लूँगी घर में। अभी बारिश का मौसम है, जल्दी से सूखता नहीं है, ये टाइल्स है ना, इसलिए तो मैं पंखा चला देती हूँ तो जल्दी जल्दी करके सूख जाता है। और जहाँ जिस रूम में मैं पोछती हूँ तो उस रूम का पंखा चला देती हूँ तो फिर वो जल्दी से सूख जाता है। तो मैं ये सारा काम करके, मैं जल्दी जल्दी करके, मैं रेडी होके मम्मी के साथ आज मैं जाऊंगी थोड़ा वॉशिंग मशीन देखने के लिए। वॉशिंग मशीन ना बहुत ज़्यादा मतलब ज़रूरी हो गया है। अभी बारिश का मौसम है ना, बच्चे लोग तो बहुत ज़्यादा कपड़ा निकालते हैं। उन लोग को जितने भी बोलते हैं कि कम निकालो कपड़ा, तो उन लोग तो सुनते नहीं हैं। तो इसलिए मैं सोचती हूँ कि अगर वॉशिंग मशीन अगर ले लूँगी तो थोड़ा सा मेरा कुछ आराम होगा। तो अभी मैं फ़िलहाल देखने के लिए जाऊँगी जो वॉशिंग मशीन में कितना क्या बजट चल रहा है, क्या है नहीं है, तो कितना दाम है। तो मैं और मम्मी जाऊँगी देखने के लिए, जब वो मेरे बजट में आएगा तो फिर मैं वॉशिंग मशीन में फिर ख़रीद लूँगी। तो मैं दुकान में जाने से मैं दिखा दूँगी, बहुत तरह का वॉशिंग मशीन रहता है। तो वहाँ पर पहुँचने के बाद ही मैं दिखाऊंगी कि वहाँ कैसा कैसा वो वॉशिंग मशीन वहाँ सेल हो रहा है। तो अब मेरा काम हो चुका है तो मैं अब रेडी होके निकलूँगी। पहले तो मैं मम्मी के पास जाऊँगी, मम्मी फिर अपने घर से आएगी, मम्मी और मैं एक संग फिर निकल जाऊँगी। तो मैं रेडी हो गई हूँ, जल्दी जल्दी सारा काम मैं कर ली, तो अब मैं निकल रही हूँ, मम्मी और मैं एक संग जाऊंगी। तो फ़िलहाल मैं अभी सीढ़ी से उतर रही हूँ, तो चलिए अब हम लोग मुलाकात करेंगे शोरूम पे। बंधुओं, दोस्तों, साथियों, आज कोयलूर मार्केट के सामने CPRM की तरफ से एक पंचायत का आयोजन किया गया है। जिस तरह हमारे राज्य में, पूरे राज्य में तृणमूल के सरकार के तरफ से घोटाला चल रहा है, हम लोग आए दिन देख रहे हैं तृणमूल के नेता और मंत्रियों को CPRM बुला रहा है और उन लोगों का घर से और उन लोगों के जो दोस्त हैं उनके घर से करोड़ों करोड़ रुपया निकल रहा है। और जहां अब हम लोग ऑटो पे बैठ गए हैं, तो ऑटो में यहाँ पर हम लोग बैठे हैं तो मम्मी का पैर में दर्द रहता है ना, इसलिए वो करीब में ही है, ज़्यादा देर दूर नहीं है। तो मैं ऑटो में इसलिए बैठी क्योंकि मम्मी के पैर में ना दर्द है, इसलिए तो मैं और मम्मी ऑटो से चले जाऊँगी। अगर मैं अकेली रहती तो ऐसे ही पैदल चले जाती। तो देखिए, ऑटो से जाते टाइम यहाँ पर कोयनू मार्केट का यहाँ पर बाज़ार लगता है। तो देखिए ये कितना बड़ा बाज़ार है, आपको अगर जो भी चीज़ का ज़रूरत पड़ता है तो ये बाज़ार इतना बड़ा है, जो आप अगर कुछ भी सोचेंगे या कुछ भी ख़रीदेंगे तो यहाँ पर ज़रूर मिलता है। बहुत बड़ा बाज़ार है यहाँ पर, सबसे ज़्यादा तो यहाँ कपड़ा का जो शोरूम होता है, दुकान होता है, यहाँ पर बहुत ज़्यादा है। छोटा सा शोरूम है, बड़ा शोरूम है, बहुत सारा यहाँ पर दुकान है। तो देख सकते हैं यहाँ पर अभी ऑटो जितने दूर तक का जाएगा तो यहाँ लाइन बाय लाइन यहाँ दुकान ही दुकान देखने को मिलेगा।
देख सकते हैं कि अब हम लोग ये शोरूम के सामने आ गए हैं। तो ये शोरूम का नाम है ब्रदर्स इलेक्ट्रॉनिक्स। इसके अंदर बहुत अच्छा अच्छा इलेक्ट्रॉनिक्स का सब सामान सेल होता है। तो मैं और मम्मी इसके अंदर इंटर करूँगी, तो उसके बाद फिर मैं दिखाऊंगी इसके अंदर क्या क्या इलेक्ट्रॉनिक्स का सब सामान सेल हो रहा है। तो यहाँ पर हम लोग एंट्री इंटर करते करते रुक गए हैं। तो वो भाई ना नमाज़ पढ़ रहे थे, इसलिए तो हम लोग लास्ट ठीक हम लोग टाइम में पहुँचे थे, वो ना सलाम फेर रहे थे। तो देखिए हम लोग अब इंटर कर चुके हैं। जब मैं ये शोरूम के अंदर आई तो यहाँ पर बहुत अच्छा अच्छा यहाँ पर देखी मैं वॉशिंग मशीन यहाँ सेल हो रहा है। तो देख सकते हैं यहाँ पर मैं अभी दिखाऊंगी एक एक करके कैसा कैसा यहाँ पर ये वॉशिंग मशीन है। बहुत तरह का वॉशिंग मशीन है, जो टाइम के हिसाब से जो पानी जो हम लोग को मिलता है उस हिसाब से भी यहाँ पर वॉशिंग मशीन है, और जो डायरेक्ट पानी रहता है तो उस हिसाब से भी यहाँ पर वॉशिंग मशीन है। तो यहाँ पर जिसका जैसा पानी जैसा रहता है उस हिसाब से वॉशिंग मशीन लेने से वॉशिंग मशीन ज़्यादा दिन तक का चलता है। तो अभी हम लोग फ़िलहाल देख रहे हैं तो यहाँ पर ये वॉशिंग मशीन का कितना दाम है, और ये देख रहे फ्रिज, बहुत खूबसूरत फ्रिज लग रहा है, बहुत बड़ा बड़ा भी फ्रिज है। यहाँ पर ज़्यादातर ना हायर कंपनी का ये सब सामान है, वॉशिंग मशीन है, फिर ये फ्रीज़र है, बहुत एयर कूलर है, एसी है, बहुत सामान जो है सब ज़्यादातर हायर कंपनी का है। तो ये कैसा कैसा यहाँ पर सब सिस्टम है, यहाँ पर अभी ये सिस्टम दिखा रहे हैं या यहाँ पर जो सेल्समैन है। ये देखिए ये ब्लैक वाला है, इसके अंदर बटन है, ये ऊपर से पूरा दिखाई देता है, ये ऊपर में जो ग्लास है ये अंदर का जितना है ये सब दिखाई देता है। मम्मी के सामने भी देखिए एक वॉशिंग मशीन है, ये बहुत खूबसूरत वॉशिंग मशीन है। तो वो जब डायरेक्ट पानी रहता है ना तो तभी वो वॉशिंग मशीन चलता है, और जो टाइम से मिलता है दो टाइम जो मिलता है 10 मिनट करके, तो ये पानी उसे सही से वो कैच नहीं करेगा, वो जल्दी ख़राब हो जाता है। तो यहाँ पर देखिए ये काउंटर है ये शोरूम का, यहाँ पर बहुत सा मिक्सर भी सेल हो रहा है, बहुत अच्छा अच्छा मिक्सर भी है यहाँ पर। और ये जो देख रहे हैं वॉशिंग मशीन, सैमसंग का वॉशिंग मशीन है, ये वॉशिंग मशीन भी बहुत अच्छा लगा था। ये वॉशिंग मशीन जब 24 घंटा पानी जब जिसका रहता है तो वही इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसको टाइम से जो पानी मिलता है 10 मिनट करके तो वो इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। तो ये बहुत अच्छा वॉशिंग मशीन है, ये हम लोग को दिखाए थे पूरा इसका जो सिस्टम है, ये पूरा हम लोग को सिस्टम भी बताए थे। तो इसके अंदर देख सकते हैं बहुत ज़्यादा पानी लगता है, और ये ना अपने आप ही मतलब साबुन लगता है, अपने आप धूल के निकल जाता है, फिर ये अपने आप सूख जाता है। तो इसमें ज़्यादा मेहनत नहीं है, लेकिन बस आपको इसमें जो टाइम सेट कर देना है बस काम ये अपने आप ही हर कुछ कर देता है। तो बहुत अच्छा लगा था ये वॉशिंग मशीन मुझे, फ्रिज भी मुझे बहुत अच्छा लगा, फ्रिज भी बहुत साइज़ का है, छोटा साइज़ का भी है, बड़ा साइज़ का भी है। और यहाँ ये देखिए ये चिमनी है, जो हम लोग जो खाना पकाते हैं, खाना पकाते टाइम जो झाज रहता है और जो भाप रहता है, तो ये सब गर्मी जो भाप रहता है ये सब बाहर निकाल देता है। और यहाँ पर पंखा जो देख रहे हैं ये इनका खुद का ब्रांड का है, और ये एसी है, ये सैमसंग कंपनी का एसी है। तो यहाँ पर ज़्यादातर सब सामान अच्छा लगा मुझे। तो अब हम लोग बाहर निकल जाएंगे, मम्मी को ना टॉर्च ख़रीदना है, बाहर जाके भी हम लोग टॉर्च ख़रीदेंगे। तो अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो मुझे सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए, ताकि मेरा जो वीडियो का नोटिफिकेशन है आप तक का पहुंच जाए।